श्रुति के पेरेंट्स की मौत एक हादसा या फिर षड्यंत्र? बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज एक नया ट्विस्ट इस कहानी को मिला। श्रुति के पेरेंट्स की फ्लाइट क्रैश हो गई और श्रुति के पेरेंट्स की डेथ की न्यूज आ गई। मगर ये न्यूज किस तरह से आई, किन हालातों में आई और कैसे श्रुति ने इस चीज को रिएक्ट किया, ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, मैं मानती हूं पेरेंट्स की डेथ जो है बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज होती है, मगर ये न्यूज किस तरह से इस सीन में दिखाई गई, जिस तरह से श्रुति ने इसको देखा समझा और जो जो कुछ हुआ उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बाकी ये बड़ा सवाल जो है ये मिलजुल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग तो बहुत पहले से इन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्रुति के पेरेंट्स की जो है फ्लाइट क्रैश हो जाती है और ये न्यूज लेके अनुज स्पाइस एंड चटनी में आता है। कैसे आता है, कैसे पता चला श्रुति वहां पे होगी और श्रुति अचानक से अनुपमा को मिलने सुबह सुबह क्यों आ गई चाय पीने के लिए, जबकि इसी रेस्टोरेंट में जब ये सब सच श्रुति के सामने आया था तो उसने कॉफी पे अपना आपको कर लिया था सेट कि मैं अब चाय नहीं कॉफी पीऊंगी, और ये एक तरह से अनुपमा को इशारा दे दिया था कि नहीं तुम्हारी जिंदगी जो है अलग है, हमारी अलग है, यानी कि मेरी अलग है श्रुति की। अब ये सब चीजों के बीच में इतना बड़ा हादसा जब होता है दोस्तों तो ये शक के दायरे में ही आता है। अब श्रुति के पेरेंट्स आने वाले हैं। आध्या ने श्रुति के पेरेंट्स को फोन किया, उन्होंने श्रुति को फोन किया, जैसा कि श्रुति ने अनुज को बोला कि मैं मना नहीं कर पाई उनको। श्रुति को पता है उसके पेरेंट्स आने वाले हैं, वो उसको मना नहीं कर पाई इसलिए पेरेंट्स के आने की तैयारी हो गई। खैर ये बात तो यहां तक हजम होती है, मगर जब ये न्यूज आती है दोस्तों, श्रुति वहां पे स्पाइस एंड चटनी में अनुपमा के सामने बैठी है और वही टुकड़ा रो रही है कि मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं और हम लोग ना करने वाले हैं, कैसे मना करूं, ये नहीं समझ में आ रहा, पोस्टपोन हो गई है, ये कैंसिल हो गई है, मगर शादी नहीं हो रही है, ये सब अनुपमा को कहती हुई नजर आती है और साथ में मेंटल प्रेशर बढ़ाती हुई भी नजर आती है। तो ये सब होते हुए अनुज के फोन आना, अनुज के फोन का अनुपमा को रजिस्टर करना कि ये फोन आ रहा है, अगर श्रुति ने अनुज का फोन नहीं उठाना था तो बंद कर देती फोन, बंद नहीं किया, अनुज का फोन आता रहा, फिर श्रुति ने अनुज को मैसेज कर दिया कि मैं कहां हूं। अब दोस्तों ये जो चीजें हुई हैं, पहले तो यहीं पे आता है कि एकदम से श्रुति का वहां पे पहुंचना, अनुज का फोन आना, जो कि श्रुति को पता है कि अनुज मुझे फोन करेगा क्योंकि ये सब कुछ होने वाला है। और ये कैसे होने वाला है ये भी बात बड़ी ही जो है मेरा जो कहते हैं जेम्स बॉन्ड वाला दिमाग जो है वो जो कहता है, बाकी आप लोग भी बताइएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने बड़ा सोचा कि अब श्रुति को ये बात कहीं ना कहीं पता है कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है ना, कोई प्लेन क्रैश हो गया जो आने वाला है इंडिया से अमेरिका, ठीक है, वो चीजें अगर हम इसको शक के दायरे में लेते हैं तो सच्चाई होगी तो वो भी पता चल जाएगी, बट अगर हम इसको शक के दायरे में लेते हैं तो कि कोई प्लेन क्रैश हो गया और श्रुति को ये बात पता है, और अगर हम मैं आपकी इंस्टिंक्ट पे जाऊं जो बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि श्रुति माया की जो है बहन है और बदला लेने की इंस्टिंक्ट से आई है अनुज से, क्योंकि अनुज अनुपमा ने मिलकर उसके हिसाब से कि उसकी बहन जो है मर गई और इसलिए उसका परी से इससे क्या नाम है आध्या से ज्यादा प्यार है क्योंकि वो माया की बेटी है। इस एंगल से अगर हम इस पूरे सीन को सोचते हैं तो ये हादसा नहीं षड्यंत्र लगता है कि पेरेंट्स शायद पहले से ही नहीं होंगे, कोई पेरेंट्स होंगे जिनको श्रुति ने इंट्रोड्यूस किया होगा, और फ्लाइट का क्रैश होना उसके साथ पेरेंट्स को जोड़ना ये कहीं ना कहीं कोई लिंक है जो मिल रहा है। और क्योंकि श्रुति जिस तरह से रोई, जिस तरह से श्रुति बेहोश हुई, सब कुछ हुआ वहां पे, या तो एक्ट्रेस की खराब एक्टिंग कह सकती हूं मैं, क्योंकि एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी है, इतनी खराब एक्टिंग कैसे करेगी, वो एक्टिंग इतनी गंदी लग रही थी, खराब लग रही थी
कि एक होता ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो इस चीज में भी बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, शांति से रोते हैं डेफिनेटली, मगर इस तरह की चीजें नहीं कर पाते हैं। मगर श्रुति बिल्कुल नॉर्मली जैसे होता है वैसे रो रही थी, मैं अकेली रहेगी, हाय मेरे पेरेंट्स मर गए, ये वो सब कर रही थी। जो कुछ एक्टिंग मुझे तो लगता है एक्टिंग खराब कर रही थी, या फिर वो जानबूझ के ज्यादा ड्रामा कर रही थी। उसके बाद वो घर पे जाना, डॉक्टर का कहना कि अभी ये सुबह तक होश में नहीं आएंगी, सोती रहेंगी। उसी टाइम पे श्रुति का उठना, जब अनुज अनुपमा को हक कर रहा है, उसको दिलासा दे रहा है उसकी मदर की डेथ पे, वो सब चीजें हो रही है, श्रुति का देखना, फिर श्रुति का ये कहना, फिर श्रुति का वही कि मैं तो अकेली रहेगी, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है, ये सब चीजें करना। और वहां पे भी उसकी लुक्स कुछ ऐसी लग रही थी जैसे वो कुछ होता ना कुछ मिस्चीवियस सी लुक लग रही थी। तो मुझे ये पूरा सेक्शन बड़ा अजीब लगा, जहां पे पेरेंट्स की डेथ का अनुपमा को देख के रोना आ रहा था, जब वो अपनी मम्मी के लिए रोई, वह भी श्रुति के लिए रोना नहीं आ रहा था, श्रुति के लिए आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे, क्योंकि श्रुति की आंखों से असली आंसू नहीं निकल रहे थे, ऐसा मुझे लगा। मेरा भ्रम हो सकता है दोस्तों, मेरा अपना एक देखने का तरीका हो सकता है, मगर ये बड़ा सवाल जरूर मेरे दिमाग में आया है कि क्या ये सच में श्रुति किसी षड्यंत्र के तहत तो नहीं, अनुज और अनुपमा को जुदा करने के तहत तो नहीं इनसे जुड़ी हुई। बाकी देखते हैं क्या होता है, मगर अभी आज की डेट में ये जो पेरेंट्स की डेथ वाला सीक्वेंस है, ये मुझे ये सब करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है। आप बताइएगा आप क्या कहते हो इसके बारे में, मैं गलत हूं तो बिल्कुल बिंदास लिखिएगा कि मैं गलत सोच रही हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं गलत हूं, क्योंकि इतना बड़ा जो है षड्यंत्र करना बहुत ही अजीब लगता है, किसी के पेरेंट्स की डेथ करना या कुछ भी करना या जो भी कुछ करना। तो बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।